जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सलेक्शनपुर हब में। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो अक्सर ही एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ लिया करता है। और ये ज़रूरी है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये 100% इसका इम्पोर्टेंस है कि यह क्वेश्चन आना ही आना है। और यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है रीजनिंग के लिए, तो देखते हैं। और इस चैप्टर का नाम है अक्षरों का वर्गीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स। यानी इसमें क्या होता है कि अक्षर, जितना आप अक्षरों को, अक्षर इसमें क्या, एक ही कॉन्सेप्ट इसमें लगा है, क्या है कि आप इसमें अक्षर जो अल्फा लेटर होते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये जो जितने भी 26 लेटर हैं, अगर आपको इनकी नंबरिंग बहुत ही अच्छे से आती है, देखते ही अगर आप इसका नंबरिंग कर लेते हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए एकदम हलवा है। और इसकी वीडियो नंबरिंग को कैसे पहचाने, इसकी वीडियो मैंने अपने पहले वीडियो में बना रखी है, उसे आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में आपको क्या करना है कि बस एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट यानी एक ही ट्रिक है इसका, कोई ट्रिक नहीं, एक ही ट्रिक है उसकी, एक ही ट्रिक है कि इसका आप लोग क्या करें, नंबरिंग याद कर लें। और नंबरिंग याद कर लेंगे तो आपका सारा सवाल एकदम आसानी से हल होता जाएगा। और घबराए ना, घबराने से क्या होता है कि ये सवाल, आसान सवाल भी कठिन लगने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका इसमें लिखा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। बोला गया है कि जो इसमें चार ऑप्शन हैं, चार ऑप्शन में से तीन एक जैसे होंगे, और एक चौथा जो कुछ ना कुछ अलग होगा, यानी इससे विभिन्न प्रॉपर्टी रखता होगा। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, जिसका पहला ऑप्शन है आर एस, और दूसरा ऑप्शन है वी डब्ल्यू, तीसरा ऑप्शन है सी डी, और चौथा ऑप्शन है टी और डब्ल्यू। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन को देखते सबसे आपको करना ये है कि आर की जो होती है उसकी तुरंत आप उसको क्या करेंगे, वैल्यू लिख लेंगे। आर की वैल्यू होती है 18 और एस की वैल्यू होती है 19। तुरंत आपको बस वैल्यू लिखना है। अगर आप बिगनर हैं तो आप पहले, सबसे पहले क्या करें, कॉपी पे इसकी वैल्यू लिखें। उसके बाद क्या करना है, 22, जो वी की वैल्यू होती है 22, और डब्ल्यू की वैल्यू 23, और सी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 4, और आपके सामने है टी की वैल्यू 20 और वी की वैल्यू 22। तो दोस्तों इसमें आपको देखना है कि क्या इसमें क्या चेंजिंग है। अब देखेंगे इस तरह कर लेंगे, यानी इसको एक प्रकार से यही इसका खोलना होगा, इसे आप खोल कर रख लिए। देखिए 18 के बाद 19 आया यानी +1 हुआ, 22 के बाद 23 आया यानी +1 हुआ, 3 के बाद 4 आया यानी +1 हुआ, और 20 के बाद 22 आया यानी +2 हुआ। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि कौन सा अलग है, और इसमें कुछ करना था। और जो ये वैल्यू कैसे याद हुआ है मुझे, और मैं यही चीज़ आपको पहले वीडियो हमारी जो सिलेक्शन पूर्व हब में लगी हुई है प्लेलिस्ट में, आप इसे जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करके कहेंगे कि इसकी एक और वीडियो बना देंगे, तो मैं आपको और भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा इसमें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपका चौथा ऑप्शन क्या है, अलग है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ए डी पी टी ई एच और जे एम, और इसमें विषम क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका नंबरिंग कर लेंगे। ए की होती है वैल्यू 1 और डी की होती है 4, पी की वैल्यू होती है 16, टी की वैल्यू होती है 20, ई की वैल्यू होती है 5 और एच की वैल्यू होती है 8, जे की वैल्यू होती है 10 और एम की वैल्यू होती है 13। तो अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ से 1 से 4 हुआ है यानी +3 हुआ है, 16 से 20 हुआ है यानी +4 हुआ है, 5 से 8 हुआ यानी +3 हुआ है, 10 से 13 यानी +3 हुआ है। अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे भी +3 हुआ है, +3 यानी चेंजिंग किस में है, दूसरे ऑप्शन में, दूसरे यानी पी टी, यही आपका डिफरेंस है दोस्तों। अब अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि क्यू और एस,
क्यू की वैल्यू होती है 17, एस की वैल्यू होती है 19, डब्ल्यू की वैल्यू होती है 23 और वाई की वैल्यू होती है 25, एच की वैल्यू होती है 8, के की वैल्यू होती है 11। और मैंने आपको इसको याद ऐसे कराया था, के देखिए एक ऐसे लिखा है और एक के को ऐसे लिखा जाता है, यानी एक पाई ए हो गई और एक पाई ए हो गई, यानी दो पाई, यानी एक और एक। कई लोग जल्दी जल्दी में के को ऐसे भी लिख देते हैं, तो ये देखिए आपको एकदम 11 जैसा दिखेगा। और एल की वैल्यू होती है 12 और एन की होती है 14। और एन को मैंने आपको इस तरह याद किया कि देखिए एन लिखा गया है, ये आपका एन है, अगर हम मैं उसे स्पेस एक ऐसे कर दूँ तो देखिए आपको बन गया 4 और ये रोमन अंक का 4 बन गया है। और देखिए 4 पे तो डी आता है, अब आपको पता है कि डी 4 पे आता है तो ये क्या होगा 14 पे ही होगा। इस तरह आपको इसको याद कर सकते हैं। अब आप देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए 17 से 19 हुआ है, 23 से 25 हुआ है, यानी इसमें +2 हुआ है, 23 टू 25 यानी इसमें भी +2 हुआ है, और 8 इसमें देखिए 8 टू 10 होता है लेकिन इसमें +3 हो गया है, और इसमें 12 टू 14 हुआ है, इसमें भी +2 ही हुआ था लेकिन इसमें +3 हुआ था, यानी इससे इस वजह से या 3 होने की वजह से डिफरेंस हो गया, इस तरह इसको भी बता सकते हैं। तो दोस्तों चौथे क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, और इसका आंसर बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह आपका एकदम बेसिक वीडियो था, इसके बाद मैं इससे रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए। ये तो आपको बेसिक इस तरह किया जाता है उस तरह बताने के लिए, और इसके बाद मैं टोटल इसे प्रीवियस ईयर ही कराता हूँ रीडिंग में, चाहे वो CGL हो, CHSL हो या कोई भी एग्जाम हो, बस उससे प्रीवियस ईयर पेपर का ही क्वेश्चन उठा के लाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन 5वां। इसमें आप लोगों को क्या करना है कि AZ है, 5वां क्वेश्चन आपके सामने है कि इसकी वैल्यू देखिए, इसको करने से पहले आप देखिए इसकी भी नंबरिंग करें, इसकी नंबरिंग ए 1 हो गई, इसका 26 हो गया, इसका 13 हो गया, इसका 14 हो गया, इसका 9 हो गया, इसका 19 हो गया, इसका हो गया आपका 7, इसका हो गया 20। तो दोस्तों आपको इसमें एक कॉन्सेप्ट ये लग गया है कि ये क्या हो गया है, लेटर का अपोजिट हो गया, जैसे ए का अपोजिट 26 होता है, यानी AZ एक दूसरे के हैं अपोजिट हैं, M और N क्या है एक दूसरे के अपोजिट हैं, जैसे ऐसे ए का अपोजिट हो गया आपका Z, बी का अपोजिट Y, सी का अपोजिट X, डी का अपोजिट V, W। ये भी मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कैसे इसको रटे ना याद करें। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे कि ए का अपोजिट Z होता है, M का N होता है, G का T होता है, लेकिन I का S नहीं होता है, तो यही इसका क्या है गलत ऑप्शन है, यानी यही इसको सही मारिए। तो दोस्तों अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है D से U कैसे हुआ है, D की होती है नंबरिंग 4 और U की होती है 21, K की होती है 11 और P की होती है 16, J की होती है 10, Q की 17, G की होती है 7, T की होती है 20। तो दोस्तों इसमें देखेंगे आप, इसमें भी देखिए दोस्तों वही ट्रिक लगा है, जिसे उल्टा G का देखिए T हो चुका है, J का Q हो चुका है, J का Q हो चुका है, K का P हो चुका है और D का U हो चुका है। तो दोस्तों इसको करने से पहले एक मिनट थोड़ा रुक जाइए। दोस्तों इसका आंसर देखिए, जैसे G का अपोजिट T होता है, G का अपोजिट T होता है,
उसी तरह जे का अपोजिट क्यू होता है, के का अपोजिट पी होता है, लेकिन डी का अपोजिट यू नहीं होता है, डी का अपोजिट यू नहीं होता, इसलिए ए ऑप्शन इसका होगा। और इसको दोस्तों इसका इसमें दो रूल हो गया है कि एक रूल जो इसका नंबरिंग वाला था, एक रूल क्या है इसका रूल इसमें एक लगाया है, बस ये दो रूल से इसका पूरा क्लासिफिकेशन ख़त्म हो जाएगा। क्या एक नंबरिंग वाला नंबरिंग सिस्टम और दूसरा रूल इसका वही चीज़ वही है कि नंबरिंग कहें या उसको अपोजिट लिखना कहें, अपोजिट रूल यानी बोल सकते हैं उसको अपोजिट रूल, उसको बोल सकते हैं आप अपोजिट रूल। तो ये दोनों अगर आप लोग कहेंगे, इसकी वीडियो मैं बना दिया हूँ, अगर आप लोग फिर से अगर डिमांड करेंगे तो मैं इसकी वीडियो बहुत ही अच्छे से अगर आप लोग देखते ही पहचान जाएंगे कि क्या होता है, कैसे इसकी नंबरिंग, कैसे इसका अपोजिट होता है, इसको इजोटी से रटना ना पड़ेगा, ये सब रटने वाला सिस्टम भी समय खा जाता है, बस देखते ही पहचान जाएंगे कि ये डी है तो इसका 4 होगा, ये के है इसका पी है तो इसका 16 होगा, ये जे है तो इसका 10 होगा, देखते ही बता देंगे, ये जी है तो इसका 7 होगा, अब इसको अब देखते ही बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये एस जेड हो गया है, ये बी जी हो गए, अब पी डब्ल्यू है, एम टी है। दोस्तों इसका आप लोग क्वेश्चन करेंगे और करके इसका कमेंट पे आंसर देंगे, मैं भी देखूंगा, बस इससे ही रिलेटेड एकदम सेम टू सेम है, कर लेंगे। उसके बाद मैं अगली वीडियो में इसको फिर से अगर आप लोग को नहीं आएगा तो मैं इसको ज़रूर बताऊंगा। और देखिए ये 8वां क्वेश्चन आपका GHI है, XYZ है, VUT है और CDE, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, क्या बस नंबरिंग करेंगे आप लोग। नंबरिंग करने के बाद क्या करना है कि उसको देख लेना कितने का डिफरेंस है, बस और कुछ नहीं। ये आपके सामने 9वां क्वेश्चन, CEG है, UXZ है, ORT है, ILN है। देखिए जैसे 3 है, 5 है, 7 है, दो दो का डिफरेंस, ये देखिए 21 है, 24 है, 26 है, दो दो का ऑप्शन, ये देखिए O है यानी 15 होता है, 18 होता है, 20 होता है, देखिए इसमें भी देखिए I का 9 होता है, L का 12 होता है, लेकिन इसका 14 9, देखिए 9 इसका 9 होता है, इसका 12 होता है, देखिए कितने का डिफरेंस हो गया, डिफरेंस 2 से मोर देन हो गया, मोर देन 2 हो गया, इसमें क्या होगा ऑप्शन मोर देन 2 हो गया डिफरेंस, इसीलिए एक क्या ऑप्शन गलत है। इसी तरह आप लोग देखिए, बस आप लोग नंबरिंग कर लीजिए, नंबरिंग करने के बाद सारा ऑप्शन सही हो जाएगा, और नंबरिंग करना मैं सिखाऊंगा अगर आप लोग कमेंट करके बताते हैं तो। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए 10वां, CEH है, JLO है, RUB है, UWZ है। इसी तरह टोटल 12 क्वेश्चन है आप लोगों के पास, आप लोग 12वें क्वेश्चन का जो आंसर है कर लीजिएगा और उस कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।